अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ से हमने दादा साहब दरबार अल्लाह हाफिज़ कहने के बाद ये स्टॉप अपना ख़त्म किया और यहाँ से फिर हमने अगला अपना जो स्टॉप था वहाँ पे हमने जाने के लिए तैयारी पकड़ी। ये देखें, ये यहाँ पे लास्ट सीन है और ये मैंने अल्लाह हाफिज़ कहा और वहाँ से हम निकले। निकल के फिर हमने अगला जो हमारा स्टॉप था वो था हमारा बीबी पाक दामन। ठीक है, यहाँ से हम बीबी पाक दामन दरबार के लिए निकले। ये देखें, यहाँ पे बीबी पाक दामन दरबार के जो रास्ते में स्टॉल थे इतने खूबसूरत, माशाल्लाह के दिल कर रहा था कि सारी ही चीज़ें परचेज़ कर ली जाएँ। इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी चमक दमक वाली चीज़ें थी, बहुत ही प्यारी थी माशाल्लाह। और बीबी पाक दामन जो दरबार है ये वो बीबियाँ हैं जो कि करबला के मैदान से चली थी और अपनी इज्जतों को बचाते हुए ये वहाँ से चलते चलाते पैदल इन्होंने रास्ते सारे तय किए थे और पता नहीं कौन सी मुसीबतों के साथ ही यहाँ पहुँची। और यहाँ पर ये जो दरख्त है इसके ऊपर बहुत बड़ा, इसके नीचे उन्होंने पनाह ली थी और फिर अपनी इज्जतों को महफूज करते हुए ये ज़मीन यहाँ पर खुली थी और ये ज़मीन में चली गई थी। और ये वो बीबियाँ हैं, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब नस्ल है और इनकी मतलब हमें इन सब की बहुत तज़ीम करनी चाहिए, इनके साथ ही हम हैं। ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ पे इस्लाम की दुआएं पेश की और फिर हमारा जो अगला स्टॉप था हमने सोचा, सबको भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो फिर हमने सोचा कि यहाँ से हम चलते हैं मीनार पाकिस्तान, वहाँ पर हम बैठेंगे पार्क में और वहाँ पे हम कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे विज़िट वहाँ पे जो शाही किला है उसका। अल्लाह